नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्त, आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से जो ऐसे जीवन सत्यापन वृद्धा पेंशन का होता है कि आदमी जीवित है या मर गया, ठीक उसी प्रकार से जो ऐसे बिहार में राशन सत्यापन चल रहा है। यानी कि जो भी लोग को राशन कार्ड बना है वो सभी को जो है 15 तारीख तक आपको जो है अपडेट करवाना है। यानी कि प्रत्येक आदमी को जो है राशन दुकान पे जाके, यानी कि जहाँ पर आपको राशन मिलता है वहाँ पे जाके और आपको जैसे राशन का फिंगर लगवाना है। जितने भी लोग का जो है घर में राशन मिलता है सभी को जो है राशन कार्ड में फिंगर लगाना है। लेकिन दोस्त, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। पहले क्या था कि जितने भी फैमिली को राशन मिलता था, जो 5 साल के बच्चा, 2 साल के बच्चा, जिसका आधार कार्ड बन जाता था उसको भी नाम पर जो है राशन कार्ड मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जिसका उम्र 5 साल से ज्यादा है और प्लस में उसका जो है फिंगर अपडेट रहना चाहिए, अगर अपडेट नहीं रहेगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो है बिहार में भी अफरा तफरी मचा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जैसे उम्र 8 साल 9 साल हो गया है लेकिन क्या है कि फिंगर अपडेट नहीं है, तो वो राशन कार्ड के जैसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर जो है उनका फिंगर काम नहीं करता है। तो उसमें बता देता हूँ कि अभी जो है 15 तारीख का डेट है, यानी कि एक दिन खत्म हो गया है, 14 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो आप लोग क्या करें, जिसका भी उम्र 5 साल से ज्यादा है और बहुत का उम्र 14 साल 15 साल हो गया है लेकिन फिंगर अपडेट नहीं है, तो वो लोग क्या करें कि जल्दी से आधार सेंटर में जाके और अपना अपना फिंगर अपडेट करवा ले और आपका नाम अगर राशन कार्ड में है तो वहां जाकर जो है फिंगर लगा दे। तो भाई लोग, इस चैनल के माध्यम से हम एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वीडियो जो है हर कोई को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर में रहते हैं, कहीं दूर जाकर जो है कमाने के लिए गए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जानकारी नहीं है तो वो लोग के कहीं छूट नहीं जाएगा, लेकिन जिनका उम्र 5 साल से ऊपर है, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो लोग जल्दी से आधार सेंटर जाके और फिंगर अपडेट करवा ले और जल्दी से जाके आप राशन कार्ड के दुकान पे क्या करिए, फिंगर लगवा ले। तो एक चीज और बताते हैं, प्रूफ में क्या लगेगा। जो भी व्यक्ति जिनका जो है उम्र 5 साल से ऊपर है और जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, केवल जो है आधार कार्ड लेकर जाए और जहां आपका राशन कार्ड मिलता है पूरे बिहार में, भारत में कहीं पर भी अगर राशन कार्ड मिल रहा है, आप कहीं से भी फिंगर लगवा सकते हैं, अपना जो है फिंगरप्रिंट यानी कि राशन सत्यापन करवा सकते हैं। अगर दोस्त अगर सत्यापन नहीं करते हैं तो फिर आपको जैसे आने वाला समय में राशन नहीं मिलेगा। दोस्त, उम्मीद करते हैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर राशन कार्ड के मामले में अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।